गुरु नानक जयंती सिख समुदाय के लोगों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पर्व गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। बैटमा नगर में गुरु नानक देव जी महाराज का 554वां प्रकाश पर्व नगर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में बड़े ही श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। दोनों ही प्रमुख गुरुद्वारों को आकर्षक रूप से फूलों और रात को विशेष विद्युत सज्जा के साथ सजाया गया था। इस दौरान यहां गुरु का अटूट लंगर भी आयोजित किया गया। बैठमा सिख समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहां गुरु नानक देव जी महाराज ने करीब 3 महीने से भी अधिक तक निवास किया था। उनके चरण पादुका वाले स्थान को चरण पादुका गुरुद्वारा और जिस स्थान पर उन्होंने खारे पानी को मीठा किया था उस स्थान को बावड़ी साहब गुरुद्वारा कहा जाता है। प्रकाश पर्व के दिन यहाँ आसपास के कई नगरों से संगत अरदास करने के लिए बैठमा पहुँचती है। प्रकाश पर्व पर नगर सहित आसपास के इंदौर, धार, उज्जैन, खंडवा, खरगोन सहित प्रदेश के बाहर से भी 7 संगत दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। गुरु नानक देव ने समाज को एकता में बांधने और जाति पाति को मिटाने के लिए कई उपदेश दिए थे। उनकी जयंती को हर साल गुरु पर्व या प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह सिख धर्म में मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन गुरुद्वारों में कीर्तन दरबार सजता है। बैठमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज धन धन पहले पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का पावन पवित्र प्रकाश गुरपुरब समूह संगतां बड़े ही चामा भरे लहजे नाल मना रहियां हन। सतगुरां दे पावन पवित्र स्थान गुरद्वारा चरण पादुका साहिब विखे अमृत वेले तो नतमस्तक हो रहियां हन ते अपना जन्म सफला कर रहियां हन। सतगुरु कृपा करन समूह संगतां दे परिवारां दे विच सुख शांति बण आवै अते जगत जलंदा रख लै। अपनी कृपा धार जित द्वारै उभरै तितै लिहो उभार। सतगुरु कृपा करन समूह संसार ते सुख वरताउन। समूह संसार नूं साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दे पावन पवित्र प्रकाश गुरपुरब दी बेअंत बेअंत वधाई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज बैठमा साहिब में धन धन श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब बड़े जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। आज गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। जो अंधकार था उसको मिटाने के लिए परमात्मा ने आप गुरु नानक देव जी को इस संसार में भेजा। दुनिया में जो काल है उसको मिटाने के लिए परमात्मा ने आप जन्म लिया गुरु नानक देव जी महाराज जी ने। और बैठमा साहिब में बड़े जोरों शोरों से मनाया जा रहा है, जिसमें सभी संगत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे परमात्मा के चरणों में नमस्कार कर रहे हैं कि परमात्मा ऐसी कृपा बनाए रखना, आपस में प्रेम प्यार बनाए रहे। और शब्द कीर्तन का जाप, यहाँ पर शब्द कीर्तन का जाप हो रहा है और गुरु के प्रसाद लंगर प्रसाद सभी संगत अटूट वर्त रहा है। लंगर शक के जा रहे सभी संगत। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं खुद इंदौर से यहाँ बैठमा साहब हर पूरनमासी पे माथा टेकने आता हूँ, क्योंकि इस गुरुद्वारे का अपना एक महत्व है। श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी उदासी में यहाँ अपने चरण डाले थे। आज सभी सिख समुदाय को एक प्रेरणा मिली है गुरु नानक देव जी से, मानवता के धर्म की प्रेरणा मिली है कि वंड छक्को सब मिलजुल कर यहाँ लंगर छकते हैं। बिना किसी भेदभाव का यहाँ 24 घंटे लंगर चलता है। यहाँ सिंधी समाज के लोग भी गुरु नानक देव जी को मानते हैं, वो भी इस गुरु पर्व को मनाने आते हैं। हम सभी में एक संदेश है कि भाईचारा और ईमानदारी से काम करें। बेसिकली जो ये बैठमा परिषद है, ये जहाँ से मैं आया हूँ उस जगह का नाम महू है और कम से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर हम वहाँ से आए हैं। महू इज़ अ प्लेस डोमिनेटेड बाय आर्मी पीपल, बेसिकली मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है पर मैं यहाँ अक्सर जब भी कम से कम गुरु नानक जो प्रकाश पर्व भी बोलते हैं उसमें मैं अक्सर यहाँ ज़रूर आता हूँ। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर अपनी सेवाएं देने में बड़ा आनंद आता है। आज गुरु नानक देव जी का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस समय मौजूद हूँ बैठमा के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में, जहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक लंगर, विशाल लंगर चल रहा है। बैठमा का ऐतिहासिक गुरुद्वारा बहुत प्रचलित है। आज
बेटमा के गुरुद्वारे में दूर दूर से लोग आए हैं, आप कहाँ से आए मैडम? जी हम इंदौर से आए हैं और यहाँ पे हम 25 साल से आ रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने यहाँ पे चरण रखे हैं और ये नदियों में 7 नदियों का जल है, इसीलिए बहुत महत्वता है इस जगह। आप यहाँ आते हैं तो आपको किस तरीके का अनुभव होता है, क्या आप महसूस करते हैं? बहुत शांति, मतलब बहुत शांति महसूस होती है। और माता जी आई है छत्रीबाग गनगौर घाट से आई है माई, इनका भी गौशाला है जी। तो ये थे इंदौर से आए हमारे कुछ श्रद्धालु, और हमारे साथ और भी कुछ श्रद्धालु इस समय बीच में जुड़ेंगे, हमारे बीच और श्रद्धालु आ रहे हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए सर? इंदौर से आए। इंदौर से आए आप कितने समय से आ रहे हैं और यहाँ आपके यहाँ पर आके आपको कैसा अनुभव होता है, क्या चीज़ आपको लगती है? सर ये हमारे गुरु नानक देव जी का पावन स्थान है, यहाँ पर आने में हमारे को बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं, कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है। यहाँ पर हमारे यहाँ गुरु नानक देव जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने हर मजहब को एक तरीके का प्यार दिया है, सबको लंगर छकाया है। आज ये लंगर जो हो रहा है गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से ही हो रहा है, आज उनका महान पर्व जो है मनाया जा रहा है। आज पूरे इंदौर सिख समाज के लोग एकजुट होकर पूरा इस त्यौहार को मनाया जा रहे हैं। धन्यवाद आप। तो बेटमा में आज और भी कुछ श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, हमारे साथ एक महिला भी आए हुए हैं, आप कहाँ से आए? मैं भी इंदौर से ही हूँ। इंदौर से ही? हाँ जी। आप यहाँ आए हैं पहली बार आए हैं या? नहीं, मैं हर पूर्णमासी में यहाँ पर आती हूँ और ये बहुत ही पवित्र स्थान है, यहाँ पे मानी जाती है। यहाँ पे गुरु नानक देव जी ने खुद दर्शन दिया था और इतने बड़े प्रकाश पर्व 554वें गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में यहाँ आने का हमें मौका मिला, तो हम बहुत खुश हैं और आप सबको गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में इंदौर से आए कुछ दर्शक। जैसा कि आप जानते हैं बेटमा आज पूरे देश में मनाई जा रही है, तो ये बेटमा का ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, यहाँ पे गुरु नानक देव जी के चरण पड़े हैं। इसी ऐतिहासिक नगरी बेटमा साहिब गुरुद्वारे से मैं राजेंद्र सूर्यवंशी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।